आज का जो हमारा वीडियो है वो क्रेटा की एक्सेसरी के बारे में है, जिसमें हमने काफ़ी काम किया है। बट जो हमने जो अलग किया है इस बार, जो नया किया है, वो दो चीज़ें की हैं, उसके बारे में बताऊँगा। जो आज की हमारी मेन अट्रैक्शन है, जो फर्स्ट अट्रैक्शन है, वो है ये टेस्ला स्टीरियो। ये हमने क्रेटा के अंदर इंस्टॉल किया है। ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्रेटा की पिक आ रही है। ये स्टार्ट हो गया। ये अभी इसमें FM ऑन किया हमने। ये FM की फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही है। ये प्लस ब्लूटूथ अगर कनेक्ट करेंगे तो ब्लूटूथ का आएगा। ये इसकी ऐप कंट्रोल्स है। इसके अंदर जो ऐप डली हुई आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, चाहे वो रेडियो का ऑप्शन है या नेविगेशन का ऑप्शन है या फाइल मैनेजर है या कैमरा देखना चाहते हैं या फोन लिंक है, सब कुछ यहाँ पे है। बहुत इजी है यूज करना, काफी अच्छा है, बहुत ही इजी है। ये अभी हम वीडियो प्लेबैक कर रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे ईज है कि इसमें वॉल्यूम का बटन यहाँ पे है, मतलब आपको बटन ढूंढने नहीं पड़ते कि वॉल्यूम अप करना है या डाउन करना है टच के हिसाब से, तो आप इसको वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। प्लस यहां से भी आप मोड चेंज कर सकते हैं, कई तरीके के मोड है इसके अंदर। ब्लूटूथ आया, ब्लूटूथ म्यूजिक आया, अभी ऑक्स आ गया, ये बैंड आ गया। अगर नेविगेशन आपने सेटअप किया हुआ तो नेविगेशन भी यहाँ से सिंगल दबाएंगे बटन तो आ जाएगा। ये ब्लूटूथ के लिए हो गया, ये मेन मेन्यू हो गया। तो काफी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही अच्छा स्टूडियो, बहुत ही बेहतरीन है। ये DRL को क्लोजअप से देखते हैं। ये व्हाइट कलर का चल रहा है DRL, ये हमने मशीन का किया था सेटअप, और जैसे हम इंडिकेटर ऑन करेंगे ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर जाएगा। इसकी फॉग लाइट अभी ऑफ है, इसकी फॉग लाइट भी वाइट कलर की है। इसकी फॉग लाइट अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं। इसकी फॉग लाइट ऑन हो गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है, गाड़ी को मैच कर रही है। ये लगने के बाद अब E+ हो या SX हो तो उसमें डिफरेंस पता नहीं लगता। ये हमने इंडिकेटर ऑन कर दिया इसका।